Hello and welcome back to the part 2 of the previous video where I shared my experience with the insurance company. I will link that video in the description. Let me just quickly show you the video which I shot when I got the delivery 10 days later after the service was done. This is the invoice with all the listed items which I might share with you in some other video. I have paid them 9,248 rupees, still waiting for the swing arm more than a month which was got damaged during the accident. तुम यहाँ पे क्यों आए? मैं बस ये देखने आया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देखो मैंने मना किया था ना यहाँ पे आने से। हाँ, I'm sorry। ने मुझे disturb कर दिया। मैं बस तुम्हारी audience से यही कहने आया था कि please इसके channel को subscribe कर दो। Bye। Here is the video। Hey guys, this is Gurpal. Welcome to my channel। और ये रही मेरी बाइक जो आ चुकी है। I'm happy for this, but मैं disappointed भी हूँ जिस तरीके से सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने मेरी बाइक के ऊपर काम किया उसकी वजह से। मेरी बाइक का हैंडल चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है। साइड पैनल अभी बैक ऑर्डर में चला गया है, ये चेंज हुआ है इंटरनल एंड आउटर, ये पूरा और पूरा टेल चेंज हुआ है। अब मैकेनिक ने क्या किया है कि ये जो ब्लिंकर्स था इसको भी दोनों ब्लिंक इंडिकेटर्स को चेंज कर दिया, जबकि ये एस्टीमेट में था ही नहीं, ना ही ये इंश्योरेंस के साइड से अप्रूव था। मैकेनिक ने बोला कि ये स्क्रैच था और ये टूटा हुआ था इसलिए चेंज कर दिया, जबकि ये स्क्रैच बहुत पहले से था, बाइक गिरी इस साइड थी और ये टूटा भी नहीं था बिल्कुल भी, मुझे पता भी है। तो इसने ज़बरदस्ती ये चेंज कर दिया और चेंज भी किया तो वो ना चेंज किया जिसकी वायर जो थी वो छोटी थी मेरे पुराने इंडिकेटर से, उसकी वायर काट के यहाँ पर टेप टुप करके इसको लगा दिया। और जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज़ोर गुस्सा आया और इसके लिए मुझे उससे साथ बहस भी हो गई। मैंने कहा जब वायर छोटी थी तो तूने वायर क्यों काटी? तो कहता है कि ना पीछे से छोटी आई होगी। मैंने कहा ऐसा कभी हो सकता है पीछे से छोटी आई होगी? अगर छोटी थी तो तुम काउंटर में जाके बोलता उसको कि लंबी वायर वाला दे। उसने कुछ नहीं करा, ये छोटी वायर वाला लगा दिया, तार जोड़ जोड़ के ज्वाइन कर दी। कहता है कि ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ऐसा काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे चाहिए तो लंबी वायर वाला चाहिए बिना किसी जॉइंट के, ये नहीं चलेगा। पहली बात तो उसने ब्लिंकर ही चेंज क्यों किया? और जो इंश्योरेंस वाला बंदा था उसको भी मैंने जाकर बोला, मैंने कहा जब एस्टिमेट में था ही नहीं तो इंडिकेटर्स क्यों चेंज किए? ये 160 रुपए का एक इंडिकेटर है जो मेरे पॉकेट में फटका लगा। मैंने बोला कि ये इंडिकेटर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा मुझे ये चेंज करके दो, लंबी वायर लगा के दो, मुझे नहीं पता। उनको बोला मैंने पुराना ब्लिंकर लेके आओ, अगर कह रहा है टूटा हुआ तो दिखाओ ला के। पुराना ब्लिंकर दो लेके आए, एक तो मेरी बाइक का था उसको कुछ नहीं हुआ था और दूसरा जो था वो किसी दूसरी बाइक का था, उसमें ग्लूज़ वगैरह लगे हुए थे। मैंने कहा ये मेरी बाइक का ब्लिंकर है ही नहीं, मुझे अपने पार्ट्स की अच्छी तरीके से पहचान है। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये हुआ और मैंने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, सर्विस सेंटर वाले ऐसा काम नहीं करते हैं। मैंने काउंटर में बोला कि सर्विस सेंटर वाले तो अगर एक चूहा छोटी सी वायर भी काट देना तो पूरी पूरी वायरिंग हार्नेस चेंज कर डालते हैं, ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम तो बाहर के मैकेनिक्स करते हैं। अच्छा ये तो चलो हुआ ब्लिंकर्स का, बाकी इसने टेल की जो फिटिंग है वो सही तरीके से की है, ठीक है। और दूसरी गलती इन्होंने क्या की ना, यहाँ के बोल्ट्स जो भी इन्होंने खोले थे, यहाँ के स्क्रू ये सब घुमा दिए, कहीं पे उसको डब्बे में डाल के नहीं रखे, कहीं पे किसी ने संभाला नहीं, सब लॉस्ट हो गए। और जब मैकेनिक ने फिटिंग की तो इसने क्या किया कि यहाँ पे बोल्ट लगा दिया, जबकि यहाँ पे स्क्रू होता है फोरहेड स्क्रू, यहाँ पे भी स्क्रू लगा दिया। ये तो पहले से थोड़ा सा टूटा हुआ था, क्रैक था, ये पूरा ही क्रैक हो गया। मैंने कहा यहाँ का जो टूटा हुआ पीस है वो कहाँ पे है? वो पता नहीं, बोलता था ही नहीं यहाँ पे, ये यहाँ से भी टूटा है थोड़ा। मैंने कहा मेरा स्क्रू कहाँ है आपका? तो बोलता स्क्रू तो है नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं है? तब तो उन्होंने खोला तो यहीं पे कहीं होगा ना, तो ढूंढ के लगाओ उसको। बोलता नहीं सर नहीं है, तो बोल्ट लगा दिया, बोल्ट अच्छा है मजबूत है। मैं कहा बोल्ट का मजबूत होने से क्या होगा, टूटना है तो ये प्लास्टिक ही टूटेगा, बोल्ट थोड़ी टूटेगा, चाहे उसकी जगह में बोल्ट लगाओ चाहे स्क्रू लगाओ। उसके बाद यहाँ पर जो बोल्ट लगाए हुए थे वो 10 नंबर के लगाए हुए थे, जबकि यहाँ पर 8 नंबर के बोल्ट लगते हैं और कॉलर लगता है, उसने वाशर दे के लगा दिए। इसके ये वाले बोल्ट भी ये इस तरह के 8 नंबर के बोल्ट लगते हैं, ये 8 नंबर थ्रेड है, तो उसने यहाँ पर कॉलर नहीं लगाया। ये आपको दिखाता हूँ कॉलर कैसा होता है, कॉलर ऐसा होता है, ये छोटा सा बाहर निकला हुआ है, उसने कॉलर नहीं लगाया, यहाँ पर वॉशर दे के 8 नंबर के टिप के बोल्ट यहाँ लगा दिए थे। मैं गया, मैं गुस्सा इतना चढ़ा मुझे, पाना उनका उठाया मैंने, ये चारों बोल्ट खोले जाके मैंने काउंटर में दिए और मैंने कहा रखो अपने ये बोल्ट, मुझे ये वाले बोल्ट्स दो। फिर पैकेट से ये ले बोल्ट निकाले, कॉलर निकाल के मुझे दिया और जाके मैंने फिट किया खुद ही। मैंने तो एक मैकेनिक को बोला, मैंने कहा तुम लोग ने जब ये खोला था बोल्ट तो इसको संभाल के रखना चाहिए ना किसी डब्बे में डाल के, या फिर अगर डब्बा नहीं था तो उसी जगह पर इसे ऐसे हल्का सा टाइट कर देते तो बोल्ट वहीं पर रह जाता, तो फिर
जवाब नहीं सूझा उसे। तो बोलता सर आप ही ऐसा करते हो और तो कोई ऐसा करता नहीं। मैं कहा हाँ मैं ही करता हूँ सर, तुम लोग कोई कुछ बोलता नहीं है ना, तभी तुम लोग जो मन में वो करते हो। अपनी खुद की बाइक होती तो एकदम प्यार से पोछ पाछ के लगाते हो उसको, दूसरी की बाइक में काम करना है तो बस लीपा पोती कर दो उठा के। और आपको हैंडल में दिखाता हूँ इसने क्या कांड किया है। पहली बात तो ये जो मिरर है ये देखो, ये पीछे की ओर जा रहा है, ये स्ट्रेट है नहीं, ये और आगे की ओर जाएगा, ये भी आगे की ओर जाएगा। और इसने जो ये चार्जर का जो ये लगाया है, इसकी रबड़, इसकी बीच में रबड़ दी हुई है, रबड़ बाहर निकली हुई है। और ये वाली जो स्टार्टर की वायर है ये देखो, ये इसके बीच से जा रही है, इसको बीच में डाल दिया इसके पता नहीं क्यों, जबकि ये बाहर होनी चाहिए। अब ये मुझे ठीक करना पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं हैंडल की, और ये स्विच ऊपर की ओर जा रहा है, इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे। तो ये मतलब मैकेनिक ने इस ढंग का काम किया। और मुझे कहता है कि ना मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने उसको मुंह पे तो नहीं बोला बट मन में सोचा, मैंने कहा हाँ तेरा तो काम ही बता रहा है कि तेरे को कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, अब ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। वो इमेजिन करो वही मैकेनिक अगर इंजन के ऊपर काम करेगा तो इंजन का क्या क्या कबाड़ा करेगा, जब वो ये काम ढंग से नहीं कर सकता। सर्विस सेंटर वालों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इसको रिप्लेस कर देंगे, वहाँ जाने से मेरा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने घर पर ही इसको खोल लिया और रिप्लेस करवा लिया। मैकेनिक ने ये दो वायर्स जोड़ के ब्लिंकर को कनेक्ट किया था। ये वायर जो है बहुत मोटी है, एक्चुअली में ये ब्लिंकर की वायर है, ये किसी और चीज़ की वायर है, या हो सकता है किसी दूसरे बाइक की ब्लिंकर की वायर हो गई है। ये मेरी बाइक का ब्लिंकर है राइट साइड का, और इसमें से ये काटी गई है, और ये वाली किसी और ब्लिंकर की है। जब मैंने इसको बोला था कि तू ब्लिंकर लेके आ दोनों के दोनों, तो ये तो सही लेके आया था, लेकिन दूसरा जो लेके आया था पूरा टूटा हुआ था, और मैं देखते ही समझ गया उसकी वायर पूरी कटी, यहाँ से काटी हुई थी और यहाँ पर कट्स लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। ब्लिंकर की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार थी, मैं देखते पकड़ लिया कि मेरी बाइक का ब्लिंकर नहीं है, और मैं समझ गया हूँ कि वो हुआ क्या है, ये एक पक्का किसी और को बेच दिया, क्योंकि मेरी बाइक तो एक्सीडेंटल बाइक थी, और एक्सीडेंटल बाइक के साथ ऐसा होता है जब बाइक खड़ी रहती है शोरूम में तो कोई आया होगा, उसने बोला होगा मेरा ब्लिंकर बदली करवा दो, तो उसने टेल तो पहले ही खोल के रखा हुआ था बाहर, और मेरा बाइक का ब्लिंकर उसमें डाल दिया होगा, और उसकी बाइक का टूटा हुआ ब्लिंकर लाके मुझे दिखा दिया कि ये रहा आपका ब्लिंकर। ये मैंने चेंज करवा लिया है, पुराने वाले थे 154 के और ये है 176 के। मुझे 44 रुपीज़ इन दोनों ब्लिंकर्स के लिए एक्स्ट्रा देने पड़े, जस्ट बिकॉज इसकी तार थोड़ी सी लंबी है, सिर्फ एक्स्ट्रा इतनी वायर के लिए, सिर्फ इतनी वायर के लिए मुझे 22 रुपये पर ब्लिंकर एक्स्ट्रा देने पड़े। मतलब ये तो हद है, मतलब लूट मचा रखी हुई है कंपनी ने। क्या था दोनों को में फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं था, क्वालिटी में रद्दी भर का फ़र्क नहीं है। सो अभी जाके मैं इसको लगाता हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।